हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? और ये दूसरा वाला व्लॉग भी मैंने उसी दिन स्टार्ट कर लिया था नाइट में, क्योंकि सब लोग इकट्ठे हो रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। सब लोग लूडो खेले तो बहुत मज़ा आ रहा था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी सब लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी हुई हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। 11 तो बज गए थे, 11:30 करीब। और उसके बाद भाभी चली गई थी क्योंकि उन्हें सुबह उठना था। और उसके बाद में और मेरी अम्मा भी सो चुकी थी, पापा भी सो चुके थे। हम सभी के कमरे बैठे रहते हैं क्योंकि यहाँ एसी लगा रहता है, इस वजह से। बाकी तो सब बाहर थे और यहाँ पे कोई निकलने को रेडी नहीं होता, सब मज़े करते रहते हैं। और जब सब इकट्ठे होते हैं तो लूडो वगैरह सब बातें करते रहते हैं। ये बड़ा, काफ़ी बड़ा कमरा है। इसमें ये एक साइडों में भी जगह है तो काफ़ी इसमें बिछ जाते हैं, जो इसमें गद्दा वगैरह बिछाना हो, फोल्डिंग भी बिछाना हो, बेड भी साथ में डला हुआ है। तो सब इसी रूम में बैठ के सब इंजॉय करते हैं। तो बस वह बैठे मस्ती कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं और बातें ऐसी उठपटांग होती है, तो इसमें मैंने थोड़ा शेयर नहीं किया। ये उल्टी सीधी बातें करते हैं, मेरी वीडियो को हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड में सुनाती नहीं आप लोगों को, तो मैं सोचा अवॉइड ही करती हूँ। या बीच में कहीं भी बना लोगे, पर खुलेगा स्टॉप पे। हाँ, अंदर आएगी जोड़ा तो जोड़ा सीधा आएगी अंदर, और किसी की नहीं पड़े तो चांस बेकार फेंकेगा फिर। हाँ, फिर वो छोड़ देगा अगर नहीं पड़ा। ये सही मेरी मेरी का बहुत अच्छा चली थी, बहुत मैं अच्छा मानूंगी अपने, वैसी मानूंगी जे मेरा हाथ मेरा पड़ रहे। चले क्या पैरों को क्या देख रही है मम्मी के? मैं लूडो दिखा रही हूँ। चलो मम्मी ने साड़ी से पैर चुपा लिए। बैठ गई मेरी आवाज नहीं, जैसे वो है ना भाभी जो घर पर में वो आवे कौन उसका भी कुटी का चाचा। नहीं मेरी बैठ चुकी है आवाज, मेरी बैठ गई है आवाज। चल 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 ठंडा पानी पी पी के। पांच कप दूध लिए नाप के, हाँ अब सुनो गिरे थोड़ा सा पानी, अब सुन तो सही अदरक पता कब गिरी, जब दूध गर्म हो जाएगा तो फट जाएगा वो, सुन ले फट जाएगा। अरे हाँ तिट्ठी का चावल तो लूंगी मैं, गेम में मजा ऐसा नहीं आ रहा, क्योंकि शोर सारी मचा है, चांस में खेल लेती ना मम्मी, शोर सारी मचा है, कमियां भी कुछ मैं यू कर नहीं लिख रहा। मम्मी कह रही मुझे कम योद्धा मानना सबसे बड़ी योद्धा है, पता ही तो नहीं है। मम्मी रोज हारे हैं फिर भी खेले। जी हाँ जी भी लोहा मानते हैं मम्मी का। मैं तो लोहा चांदी सोना तांबा सोना। तभी तो सास और दामा जब हार जाता चिल्ला। ये गेट है छोटा सा, नहीं है कुछ ज्यादा ही, हाँ मैं तो पड़ा है। और उसे यूं पकड़ के यूं गिरे हैं सारे, क्या नहीं ट्री में ही पकड़ के। हमारे मोटा वाला गेट है, दिखता है उसमें बड़ा नंबर ज्यादा। एक दो तीन चार पाँच छह, क्या कर दिया, क्या कर दिया, काट तो रहा हूँ। पाँच बच्चे, पाँच बच्चे, किसी को बताना नहीं है। पाँच अच्छा समझ गया, हमें तो फटाफट बता हुआ सब चीज। पाँच अच्छा, वो उसका कट गया, वो उसका कट गया। देखो पहली कोट में दिखाई गई है, दूसरी अभी तक जिया जी के अलावा कटी ना, किसी मम्मी की तोड़ हुआ कट गई ना इनकी, अब देखिए सुरट वाले झड़ पैड कर दिया वरना काम। अभी उठ लो बस यहाँ से, जिया जी ने भी दांत नहीं चीने थे अपने, कहीं से ना कटवा दी ये ऐसी कटवाते हैं।
बैठी हो मैम जी, मैं अभी तरह से खेलूं बैठी रह बस वही वो जीते हो आप तो हरा दिया जबकि दो दो सबकी दो दो कोर्ट खुल गया तो उसी कुत्ती भी जब तक इसी वाह पता नहीं क्या हो गया ईद तो चाय और भर के आ गई है, चाय फूली हो गई है, कम तो नहीं हुई है, पटक्के तो लात तो कम होती ना। ये चाय किसने बनाई है? कृष्ण। क्यों अच्छी बनी? नहीं अच्छी तो बन गई, इसमें मैंने थोड़ा सा दूध घेल दिया तभी 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 क्योंकि खदक तो कम होनी चाहिए। उबाली नहीं, उबाली नहीं गिरना जो चाय शहद है चाय का कभी आप बढ़िया बिल्कुल पास हो गया क्रिश चाय में अच्छी चाय नहीं कार्तिक नहीं कार्तिक कुछ भी बनाता है लेकिन आप तो बोल दूंगा वो जब पानी ज्यादा डाल देता तब अच्छी नहीं बनती ना वैसे आना चाहिए हर चीज अपना बनाना लड़कों को सिखाना चाहिए। और ये मेरा दूसरा वाला ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है वो तो मैंने पहले एंड कर दिया था। वेलकम टू माय चैनल बिल्कुल ही भूल गई और यहाँ पे सब लूडो खेल रहे हैं लगे पड़े हैं। मम्मी भी खेल रही है, मैं नहीं खेल रही, मैं सिर्फ देख रही हूँ सबको। आवाज मेरी बहुत डाउन होती जा रही है, मैं आग कहाँ से लगा रही हूँ? तिल्ली तो दिख नहीं रही को, मेरे पास तिल्ली तो आई नहीं, माचिस की जो आग लगाऊंगी। और मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैंने ये बांधा हुआ है। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। चलो बुलावा पूरे लगे पड़े सर। मम्मी देखो कितनी हो रही है, चलती तो नहीं खिलाते। मम्मी गुस्से में आ गई, सास सब दामाद एक जैसे हो गए। यहाँ पे कोई हंसते थे चाय ना उड़ना उड़ना चार है कभी बताऊंगा दिखाती थोड़ा सा आप लोगों को मैं। बढ़िया बन रही है, बढ़िया ठीक है ना। मेरा है चार किसी पूजा को
तूने किसी गारंटी दी थी कार्ती? ओ चिंटू, तूने हराने की किसी गारंटी दी थी? फिर कुछ बुरा हाल तो उसका भी करना। तूने इनको हराने की गारंटी दी थी ना? कहाँ करा? हरे बात तो वही है, मैं जा जितना मतलब खेलने भी पाई जरूर हराना। कितने आपके? बस एंडिंग अपना। अरे मुझे पूछो ना कभी फालतू चल रहा और ये नेक्स्ट डे हो चुका था तो मैं नहा भी चुकी थी और मैं बस नाश्ता भी कर चुकी थी, अपने बाल धुले हुए थे तो बाल सुखा रही थी। और ये सिस्टर और भाई छोटे वाले दोनों हैं, ये दोनों नाश्ता कर रहे थे। मम्मी पापा भाई और अम्मा गांव में जा चुके थे और हमें भी जाना था, इनकी मीटिंग चल रही थी तो इसलिए हमें लेट जाना था। फिर हमें पता चला जिसको हमें देखने जाना है, मतलब उनकी मतलब मेरे भतीजे को जो चाची का पोता हुआ है, तो वो अपनी नानी के घर गए, चले गए सुबह, और वो शाम को उनको आना था लौट के, क्योंकि उनकी मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, जो मेरी मतलब भाभी लगती है उनकी मम्मी पापा की, तो वो शाम को आती, तो इसी वजह से फिर हम लेट गए थोड़ा सा। और फिर फिर शाम को जब तक उनका आए और वेट किया, फिर तभी हम आए थे, क्योंकि हम उन्हीं को देखने के लिए आए थे, उन्हीं के कपड़े देने आए थे, तो इस वजह से। तो पहले तो प्रोग्राम नहीं था कि चलो यहीं से वापस ले जाएंगे, क्योंकि कोरोना का बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो लगता है छोटे बच्चे हैं, कभी ना हो ऐसा। फिर अम्मा कहने लगी गांव में नहीं है ऐसा कुछ भी और यहाँ पे भी सेफ है, तो इस वजह से तो फिर हम चले गए थे और फिर शाम को ही वापस आ गए थे वहाँ से। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? डबल डबल आज मेरी डबल ही आ रही है। आज मैं नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ, सुबह से उठ गई थी, सुबह से उठा दिया था मुझे और बस नाश्ता कर लिया है। नाश्ते में खाए ब्रेड पकौड़े और पाकी, देखो पाकी नहा चुकी है। नहीं नहीं अभी सर वैसे धुला है। हाँ। और अभी कार्तिक ने नहाया है, अभी हमें जाना है गांव में। मम्मी जा चुकी हैं और अम्मा आ रही थी, अम्मा मम्मी पापा तीनों चले गए गाँव में, अब हमें जाना है, इनकी मीटिंग वीटिंग चल रही है, इस चक्कर में रुके हुए हैं, उसके बाद जाएंगे नहा धो के निकलते हैं। और मेरी दिल्ली वाली मौसी भी आई हुई है वहाँ पे, तो चलिए आपको मिलवा गांव का नज़ारा दिखाते हैं हम कैसा हो रहा है यहाँ पे। अभी अभी बारिश हो रही थी, अभी थोड़ा मौसम वैसा हो रहा है, धूप नहीं निकल रही बिल्कुल भी, बारिश हो रही थी, अभी अभी बंद हो गई है। हमारा व्लॉग ऐसी है, खाते पीते लेटते सब जगह का व्लॉग बनता है, सही रहता। व्लॉग किसकी देखती है, ऐसी बनते हैं। पूजा कह रही है लेट के कौन ब्लॉग बनाता है, आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन नहीं बनाता लेट के ब्लॉग। पूजा पूजा को कि लेट के कौन ब्लॉग बनाए, इसको लगता है कि पूरा प्रॉपर अपना बैकग्राउंड अच्छे से होना चाहिए, सेटअप अच्छे से होना चाहिए, ऐसे बनानी चाहिए वीडियो। मेरा ऐसा नहीं है, मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। वो टिकटॉक वीडियो बनाती है ना तो उसको सेट वेट करके बनाती है, हम तो टिकटॉक भी ऐसे ही बना लेते हैं। कोई सेटअप नहीं होता तैयार, जैसे भी मर्जी होती है, वही तो रियलिटी होती है, हमें रियलिटी दिखानी होती है, तो हमें सेटअप थोड़ी देर ना तैयार करना है। चिंटू मुझे देख रहा है, वो लेटा हुआ मुझे देख रहा है, देख रहे क्या बोले जा रही है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से मैं इतने। अलमीरा को तो खुली हुई है, तैयार तो हो जाऊं, कुछ तैयार नहीं हुई है, हम तो तैयार हो गए, पूजा ही बैठी हुई, तैयार नहीं हुई अभी तक। और नहीं तो पूजा को कोई जानता नहीं क्या, बताना मुझे कमेंट करके। आज पूजा के ऊपर है सारी वीडियो, ले पर्स मुझे दे दे। चप्पलें कहाँ दे रही कशिश, तू नहीं चल रही क्यों? तो क्रिश है तो बस अब हम लोग गांव के लिए चल दिए हैं, तो इनकी मीटिंग हो गई थी, उसके बाद फिर हम चल पड़े, क्योंकि वहाँ नेट नहीं आता, नेट की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसमें फिर मैं, सिस्टर और मेरी भतीजी और दोनों बच्चे, हम सब गांव में चले गए थे, भाभी नहीं गई थी और मम्मी हर पहले जा चुके थे। तो एक गांव का रास्ता है, मैं आप लोगों को गांव का रास्ता दिखा रही हूँ, पास ही पड़ता है गाँव हमारा, ज़्यादा दूर नहीं पर लगता, बस 15 मिनट लगते होंगे पहुँचने में हमारे गाँव में। तो बस बीच में फाटक भी पड़ता है, तो ये कि फाटक हमें बंद नहीं मिला था, तो 15 मिनट में पहुंच गए। अगर फाटक बंद मिलता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है,
तो चलिए मैं अपना गांव आपके साथ दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ कैसा है मेरा गांव। और ये रास्ते में जो जो दिख रहा है मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, ये सब खेत, मतलब बहुत हरियाली है एकदम से, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाने में। और हम गांव में आ चुके हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल सामने घर दिख रहा है ना, वो बिल्कुल सामने जस्ट ये है हमारा घर, गांव का घर, अम्मा का घर, जहाँ मेरी अम्मा रहती हैं और यहाँ मेरे चाचा जी वगैरह रहते हैं। और बस अभी गाड़ी खड़ी कर लेंगे और अंदर चलते हैं हम लोग। और बस हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, ठंडा वंडा पी लिया था और उसके बाद खाना बनाने था चाची ने, तो हमने खाना खाया था। और गाँव का खाना था टेस्टी लगता है मुझे, बहुत टेस्टी लगता है, मतलब खाते रहो पता नहीं क्यों वहाँ के पानी में चेंज है या कैसे, ये चाची के हाथों में खाने में मतलब स्वाद है, तो मुझे खाना वहाँ का बहुत टेस्टी लगता है। और बस खाना वाना खा के हमने थोड़ा सा रेस्ट किया था, रेस्ट के बस बैठे रहे थे, उन लोगों का वेट कर रहे थे कि वो लोग कब आएँगे। और बस दिन भर हम टिकटॉक वीडियो बनाते रहे थे, अम्मा के साथ, चाची के साथ और सबके साथ लगे हुए थे, मतलब बिल्कुल टाइम का पता नहीं चला था कैसे निकल गया। और ये चाची की बेटी है और मेरी भतीजी बैठी हुई है, ये भी लगे हुए हैं कुछ ना कुछ, सब कोई इधर कोई उधर, सब इधर उधर बैठे हुए हैं, बच्चा पार्टी एक साथ बैठी हुई, वो अपना अलग से मज़े कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। और सब लोग बड़े हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं, कोई ऊपर है कोई नीचे है, तो ऊपर भी बना हुआ है सारा, नीचे भी बना हुआ है, तो ऊपर भी ये एसी वगैरह रूम में बैठे हुए हैं, एक रूम में ये बैठे हुए हैं एसी चला हुआ है वहाँ पे क्योंकि काम कर रहे थे, और एक रूम में ये बच्चे बैठे हुए हैं। तो नीचे मेरी चाची वगैरह सब नीचे थी, मम्मी भी नीचे थी, तो मैं ऊपर आ गई थी एक बार देखने के लिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कि पता नहीं चलता बच्चों का आजकल। और देखो ये पूरी बालकनी है इस साइड में, और इधर पेड़ भी है साथ में, इतना प्यारा लग रहा था ये पेड़। और जस्ट इसके बगल में मंदिर है,
बिल्कुल घर के सामने मंदिर है और काफ़ी पुराना मंदिर है ये, मतलब हमारा बहुत टाइम से, मतलब मैं तो खैर पैदा ही नहीं हुई थी उससे पहले का काफ़ी बहुत पुराना मंदिर है। और ये मेरे पापा हैं सामने जो गाड़ी में आपको दिख रहे हैं, वो बस गाड़ी से कहीं जा रहे थे तो फिर गाड़ी ले जा रहे थे, फिर वो हम लोग जब जा चुके तो उसके बाद आए थे, फिर वो हमारे पीछे पीछे बाद में आए थे मम्मी को लेकर, क्योंकि हमारी गाड़ी फुल हो गई थी तो मम्मी तो वैसे ही पापा घर के साथ ही थी सुबह, तो फिर मम्मी पापा के साथ ही बाद में आए थे, हम लोग निकल चुके थे। तो पापा का ये रहता है गाँव में आने पे घर पे कभी नहीं रुकते, इधर उधर बस सबसे मिलने जाते रहते हैं, तो बस थोड़ा पापा का यही रहता है। और देखो ऊपर पतंग वतंग उड़ रही थी तो मैं छत पे ये सब आपको दिखा रही थी। और हम गांव में आ गए थे और उसके बाद में ब्लॉग नहीं बना पाई, तो खाना पीना सब हो चुका है, चाय वाय सब पी ली है हमने, अब बस जाने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से। और शाम हो चुकी है, थक गई बहुत ज़्यादा और तब से मैंने ब्लॉग बनाया भी नहीं है, और बस यहाँ पे घूम रही हूँ, बच्चे देख रहे हैं मुझे उधर से देखो। और कैसा लगा आपको हमारा गांव बताना ज़रूर कमेंट करके। ये हमारे गांव घर के पास से मंदिर है, बिल्कुल घर के पास में जस्ट, और यहाँ पे सब लगे हुए हैं खा रहे हैं दोनों के दोनों। क्या चीज ऐसे ही खड़े ही रखे रहेंगे, चलेंगे। गांव में सवा 6 बजे की रोशनी हो रही है, पता नहीं चलता इस वजह काफी रोशनी हो रही है यहाँ पे। लेटली तुम क्या करो फिर जाने। ये देखो मम्मी बैठी हैं, ये इधर की साइड में अम्मा बैठी हैं, और ये पूजा, ये मेरी एक और अम्मा है मुंह बांध बांध के, और ये डॉगी बैठा हुआ है। कब से बुला रही तुझे यहाँ को? आइए आपका इंतजार था, देर हुई आने में उनको। और ये है वो बेटा जिसको हम देखने आए थे, मेरा भतीजा, और ये अपनी नानी के यहाँ से बस तभी आए थे, नीचे ही हम बैठे हुए थे और बस इसको सब खिलाने लग रहे थे, और कभी कोई ले रहा कभी कोई ले रहा, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा था, इन लोगों तो खैर कई बार देख भी लिया था, तो सब लोग को होता है छोटा बच्चा जब घर में होता है तो सब खेलने खिलाने के उसमें लग रहे थे, और तो सब बड़े हो जाते हैं, मुझे भी बहुत प्यारा एकदम से लगा था, क्योंकि जब अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं छोटे बच्चे बहुत क्यूट से लगते एकदम से, तो बेचारा सोता हुआ आया था एकदम से, बड़ा क्यूट होता है। उसकी जो छोटी बहन है, मतलब इसकी बड़ी बहन है, वो भी छोटी है, वो सो गई थी तो उसको मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी, लास्ट में दिखाऊंगी, वो जग गई थी बाद में, तो सब लोग खिला रहे हैं। ये बहन भी इसको लेके गोदी में घुमा रही है, इसको भूख लग रही थी तो बस सब लोग ले रहे थे, मैंने कहा भी हम तो चले जाएंगे फिर दूध पिला लेना, तो बस उसके बाद थोड़ी देर बाद हम इसको इसके बाद चले गए, मतलब चले गए थे यहाँ से। और ये बड़ा मतलब बहुत प्यारा क्यूट सा एकदम से, और उसके जो पापा मन हैं वो भी ऐसे थे बचपन में, सेम ऐसी इसकी सिस्टर थी, तो बड़ा क्यूट सा एकदम से। तो बस इसके बाद मम्मी लेने लगी और वो खिलाने लगी, तो होता है ना घर में एक छोटा सा बच्चा होता है और सब लोग इतने सारे होते हैं तो खिलाने वाले बहुत मेंबर हो जाते हैं, और तो पता नहीं चलता बच्चा कैसे बड़ा हो जाता है, तो यही होता है परिवार का कि बच्चों का नहीं पता चलता, जब अकेले होते हैं अकेले संभालना होता है बच्चों का तो बड़ी परेशानी होती है और बहुत दिक्कत होती है, तो फैमिली में यही होता है, नहीं पता चलता बिल्कुल भी, तो बस यही ऐसे ही करके। और ये हो चुका था हम, और फिर उसके बाद मैंने गोदी में ले लिया था, और बस गोदी में अच्छे से बड़ा प्यारा सा एकदम खिलाने में बहुत अच्छा लग रहा था इसको मुझे, और बस मैं पिक विक इसके साथ ले रही थी। तो चलिए बस इस तरह से मैंने ये आपके साथ शेयर किया है, तो बताना कमेंट करके आपको कैसा लगा मेरा गांव का वीडियो, और मेरा भतीजा कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो अच्छी लगे सब्सक्राइब भी करना शेयर भी करना। तो चलिए आप ब्लॉग देखिए और उसके बिल्कुल ना कि पूरा देखना, चलो बाय। Thank you.